दोस्तों तीन गैंगस्टर मूवीज बताता हूँ अगर आपको माफिया वाली मूवीज देखना पसंद है तो दोस्तों पहली है द डिपार्टेड जो कि 2006 में आई थी। इस मूवी के अंदर दोस्तों एक पुलिस वाला होता है और एक क्रिमिनल होता है जो कि एक दूसरे की टीम में जासूस बनकर घुस गए होते हैं। दोनों ही अलग अलग साइड में घुस के अपोजिट पार्टी के जासूस को ढूंढ रहे होते हैं। दोस्तों वो ढूंढ पाते ही नहीं ढूंढ पाते एक दूसरे को। ये मूवी के अंदर भाई बहुत ही सस्पेंस से भरी हुई मूवी है तो बहुत ज्यादा मजा आता है इसको देखने में। दोस्तों दूसरी मूवी है लेजेंड जो कि 2015 में आई थी। दोस्तों ये रियल स्टोरी पे बेस्ड मूवी है जिसके अंदर हमको दो भाई दिखाया है, एक काफी काम सा है और एक काफी एग्रेसिव है। एग्रेसिव वाला हर घंटे लड़ने के लिए तैयार है और काम वाला बिजनेस डील वगैरह करने के लिए काफी ज्यादा रेडी रहता है। इन दोनों ने 1960 के अंदर लंदन के अंदर कैसा खौफ बना के रखा था अपना, ये आप इस मूवी के अंदर देखो। और दोस्तों तीसरी मूवी है और उसका नाम नहीं लिया तो भाई नीचे कमेंट्स में लोग जरूर कहने वाले हैं। और दोस्तों एक मूवी नहीं है, तीन पार्ट की सीरीज है। सीरीज का नाम है गॉड फादर ट्रिलॉजी। और दोस्तों इस ट्रिलॉजी के अंदर हमको एक माफिया की मतलब बिल्कुल दुनिया देखने को मिल जाती है, किस तरीके की बिल्कुल माफिया काम करता है, किस तरीके की दुनिया होती है इनकी इंटरनली। तो दोस्तों अगर आपने ट्रिलॉजी अभी तक नहीं देखी है तो ट्रिलॉजी को एक बार जरूर ट्राई करना, काफी बड़ी बड़ी मूवीज है लेकिन देखने में फिर भी मजा जरूर आएगा।